हम आपको एक चीज बताया, बिजनेस तीन चीजें मांगता है। पहली चीज आपके पास पूंजी होनी चाहिए, कम है तो चलेगी। दूसरी चीज आपके पास धैर्य होना चाहिए। हाँ, और तीसरी चीज मेहनत होनी चाहिए। सर धैर्य बहुत जरूरी है बिजनेस में। अगर हम सोचे कि आज हमने 20,000 लगा के और कल से हम 50,000 कमाना शुरू कर दे तो ऐसा। और इस तरीके का रेडीमेड पाउच, इसमें मल्टीपर्पज पाउच है, कुछ भी चाहे फिल करके आप चाहे माइक्रोनी। और इसको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिया और इधर से लगा के इसकी स्पीड, ये स्पीड कंट्रोलर है, स्पीड धीमा करना चाहे तेज करना चाहे। अच्छा, ऐसे लगा के इधर और बस ऐसे कर दिया, ये इधर से निकलता हुआ चला गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए पैकिंग हो गई जबरदस्त। अरे पैकिंग क्वालिटी की बात करें तो आप थोड़ा सा ये पास में दिखाइए, ये देखिए पैक। अगर हम इसको ताकत, ये अरे वाह, पूरी ताकत लगाने बाद खुलेगा ये। जहाँ से सील हुआ है जी वहाँ से फट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं, सील नहीं छोड़ेगा अपना। अरे वाह, इतनी जबरदस्त पैकिंग है। यही चीज मेन मार्केट में महत्व रखता है कि आपका पैकेट जो मार्केट में जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, पैकिंग क्वालिटी कैसी है। बिल्कुल, कुछ पैक क्या होते हैं कि हवा निकल जाती है, फिर वो दुकानदार वापस कर देता है कि सर ये तो बेकार है। इसी तरीके के हम आपको दिखाते हैं, कुछ भी पैक कर सकते हैं सर। माइक्रोनी है, ये देखिए सेवई है जी, हम सेवई इसमें मिला के ऐसे लगाया इधर से और इधर से पैक करके चला गया। अरे इस मशीन को सर हमको लगता है लेडीज जेंट्स बच्चा कोई भी चला सकता है, कोई भी A to Z कोई भी चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सर इस तरीके का ये मसाला मिक्स है, पंचफोरन टाइप में है जी। इसको ऐसे लगाया इधर से और ये चलता चला गया। बहुत देख रहे साथियों, ये देखिए मिर्चा है। अरे वाह, हल्दी धनिया मिर्चा मसाला जो आप करना चाहें जी वो बहुत आराम से। ये देखिए हल्दी है, इसको ऐसे लगाया इधर से जी और ऐसे निकालते हुए चले गए। बहुत बढ़िया, इसकी क्वालिटी देखिए सर जी जबरदस्त। इसको आप अगर पानी में भी डाल के रख दीजिए, कितने दिन भी पड़ा रहेगा तो इसमें बिल्कुल भी लीकेज और कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा। जैसी क्वालिटी है हमेशा वैसी क्वालिटी बनी रहेगी। अरे वाह, इस टाइप आप कुछ भी A to Z, मतलब अभी तो हम आपको सैंपल के लिए दिखा रहे हैं, माइक्रोनी है, इसमें पापड़ है, आपका चिप्स है, जो भी आप आइटम है पैक करना चाहें बिल्कुल आराम से पैक कर सकते हैं। बहुत सिंपल, इधर से लगाया। देख रहे साथियों, सर ने पूरी जानकारी दिया मशीन कैसे चलती है, कैसे वर्क करती है। देख रहे हैं आप लाइव डेमो, कैसे बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं साथियों। बस इधर लगाया और ऐसे छोड़ दिया। आप जिस शहर में रहते हो, जिस जगह रहते हो, वहीं ये बिजनेस साथियों शुरू करिए जी। घर से दूर, परिवार से दूर, बाहर रह के जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, आप अपने परिवार के पास रह के उतनी मेहनत कर लेंगे सर, बहुत आगे बढ़ेंगे। देखिए होता क्या है कि किसी भी चीज़ में थोड़ा सा समय देना पड़ता है। अगर आप इंटर में आज पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको KG से इंटर तक के लिए 12-13 साल का समय देना पड़ा। तो थोड़ा सा समय दीजिए, बाकी आप इस तरीके का छोटा रोजगार लगाइए। आपको रेडीमेड पाउच चाहिए इस तरीके के, हमारे पास मिल जाएंगे, या इस किसी भी टाइप के पाउच हैं आप अगर चाहते हैं तो हम आपको पैक करके दे सकते हैं, और मतलब रेडीमेड पाउच दे सकते हैं। रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल में भी जो हेल्प हमसे हो सकता है वो करवा सकते हैं। फिलहाल कोशिश आप ये करिएगा कि रॉ मटेरियल आप अपने नियर बाय से लीजिएगा, थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एक्स्ट्रा पड़ जाता है जी। तो बाकी आप लोग मेहनत करिए, कामयाब होइए, बस यही उम्मीद है, यही कामना। नमस्कार साथियों, मैं संजय गुप्ता बिजनेस आइडिया के नए एपिसोड में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों जानते हैं, मैं जब भी आता हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आता हूँ। आज मैं साथियों बनारस से चलकर लखनऊ आया हूँ, जहाँ लोग कहते हैं आप है लखनऊ में मुस्कुराइए। तो आज मैं सर से मिलूंगा और पता करूंगा कि आपके लिए ऐसा क्या बिजनेस बता रहे हैं, ऐसा कौन से ऐसे बिजनेस आइडिया बता रहे हैं कि जो आप जहां रहते हैं वहीं से बिजनेस शुरू कर सकते हैं साथियों, और एक बेहतर बिजनेस बताने की कोशिश कर रहे हैं सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना छोटा सा इंट्रो मेरे साथियों को बताइए कि आपका ये लोकेशन कहाँ पर है और कहाँ रहते हैं। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो मेरा नाम अमित तिवारी है और ये जो हमारी शॉप है ये आपका टेढ़ी पुलिया के पास पड़ता है, शुक्ला चौराहे के पास। अच्छा, और अगर जैसे कोई बाहर से आता है तो रेलवे स्टेशन पे उतरता है, वहाँ से शुक्ला चौराहे के लिए सवारी उसे मिलती है, डायरेक्ट पकड़ के आ सकता है। अच्छा, मतलब कोई चार बाग उतरता है तो शुक्ला चौराहे आके आपसे कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से बगल में 10 कदम पे है, हम रिसीव करवा लेते हैं गाड़ी भेज के। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो सर मेरे साथियों को बताइए कि आज कौन सा बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं। और देखिए सर, आज जो हम बताने वाले हैं कि 20,000 रुपये में कैसे आप अपना रोजगार चालू कर सकते हैं। क्या है कि लॉकडाउन के बाद का जो समय है जी सर वो बहुत खराब हो चुका है, बहुत नौकरियां जो है इंसान के पास चली गई हैं। चली गई है, हम भी उनमें से एक हैं। हमारा भी सीन वैसा ही था कि लॉकडाउन के बाद से अपना मतलब जॉब छूट गया। अच्छा, उसके बाद हमने अपना रोजगार चालू किया,
रोजगार चालू करने के बाद हमें ये चीज समझ में आई कि सर मतलब बहुत ज्यादा हमारे जैसे लोग हैं बेरोजगार हुए हैं तो कुछ ऐसा काम करें मतलब जिसमें उन्हें भी सपोर्ट कर सके। हमारा तो ऊपर वाले की तरह से बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तो ऐसा मतलब काम जो है चालू किया तो मामूली सा 20,000 रुपए में अपना खुद का आप प्लांट लगा के एज अ मैन्युफैक्चरर एज अ बिजनेसमैन आप काम चालू कर सकते हैं, उस चीज के बारे में आज बताएंगे। अच्छा तो सर बताइए मेरे साथियों को कौन सी मशीन दिखा रहे हैं। सर देखिए ये जो मशीन है ये इसे बैंड सीलर बोलते हैं। अच्छा अच्छा ये SS में है, इसमें MS में भी आती है, ये SS में है, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है, बहुत जबरदस्त। अगर मतलब स्टार्टअप की बात करें तो बहुत जबरदस्त मशीन है छोटा काम अपना शुरुआत करने के लिए। अच्छा। आप इसमें पैक करके सिंपल सा रेडीमेड बने बनाए माल लेके पैक करके और मार्केट में सेल कर सकते हैं। हम खुद पर्सनली यही काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मार्केट में बहुत अच्छा सप्लाई हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब सर इससे क्या क्या पैकिंग हो सकता है, कितने तरह की पैकिंग इससे? सर अगर तरह की बताएं तो आप जितने गिन सकते हैं उतने चीजें पैक कर सकते हैं। अच्छा हाँ। मतलब प्लास्टिक से जो भी चीज पैकिंग होता है, जो चीज आप देखिए जो जो चीज मार्केट में बिक रहा है, जो जो चीज मार्केट में मिल रहा है पैक्ड आइटम में, वो सारा आइटम आप इसमें पैक करके बेच सकते हैं, चाहे माइक्रोनी है, पास्ता है, सेवई है, चायपत्ती है, मसाला है, हल्दी धनिया मिर्चा है, चीनी है, जो भी है मतलब जो भी आइटम आपको मिल रहा है मार्केट में पैक्ड, वो सारा काम आप इससे कर सकते हैं। अरे वाह, देखना साथियों एक मशीन और काम अनेक है। बिल्कुल, तो एक मशीन और काम अनेक है, तो इस मशीन के बारे में हम देखेंगे। और अच्छा सर क्या ये मशीन चला के भी दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर, अभी हम आपको लाइव डेमो दिखाते हैं, पैक करके दिखाते हैं किस तरीके से काम करता है। अच्छा, और कितनी बढ़िया क्वालिटी में पैक करता है वो सारी चीजें दिखाते। तो सर एक बार और मेरे साथियों को बताइए कि मान लीजिए ये मशीन कोई खरीद लेता है तो ये 20,000 की मशीन आपकी है, ठीक है, इसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, इसकी प्लास्टिक जो होता होगा वो कहाँ मिलता है? बहुत बढ़िया सवाल है सर। असल में होता क्या है कि आदमी मशीन तो बेच देता है, मशीन खरीद लेता है, उसके बाद उसका पैकिंग को लेके बहुत परेशान होता है, तो पैकिंग का आइटम भी जो है हम इस मशीन के साथ आपको दे रहे हैं। आप चाहें तो मशीन के साथ पैकिंग मटेरियल भी हमसे ले सकते हैं। बना बनाया पाउच आता है, उसमें किसी का आपको टेंशन नहीं है कि हाँ फूड लाइसेंस लेना है या किसी और कंपनी का है तो केस कर देगा, ऐसा कोई नहीं। मतलब मल्टीपर्पज पाउच है, आप कुछ भी पैक करके उसमें बेच सकते हैं। अच्छा, आप जो पाउच दिखा देंगे वो मल्टीपर्पज हो, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं? सर हमारा पर्सनली खुद का पाउच बना हुआ है, हमारे नाम से ही बना हुआ है, और भी मार्केट में पाउच आते हैं वो भी जिसमें किसी का ट्रेडमार्क है, कोई दिक्कत नहीं होती है वो आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए सर कोई अपने नाम जो ब्रांड बना के बेचना चाहता है मार्केट में, उसके लिए क्या है? सर देखिए उसमें समस्या हो जाती है, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं अपने नाम से ब्रांड बनाने का मतलब है कि सिलेंडर का खर्चा लगता है, सिलेंडर बनवाने पड़ते हैं, फिर उस अलग अलग साइज के वो 4-5 लाख रुपए के आसपास चला जाता है। अच्छा, वो उस कंडीशन में सिल्वर पाउच आते हैं वो आप लेके इससे बढ़िया से सील करके देखिए। होता क्या है कि मशीनें छोटी भी मिलती हैं हाथ से भी पैक करने वाली, लेकिन उसमें मसाला या जो भी आइटम आप पैक करें वो लीक करने लगता है। अच्छा, वो चीज खराब हो जाती है। मतलब आपका ये सजेशन है कि अभी जब भी कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई शुरू कर रहा है, तो अपना ये छोटी सी मशीन लगा के आप बना बनाए पाउच भी दे रहे हैं, बिल्कुल, उसके हिसाब से वो बना के मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए सर पैसा पेड़ पे तो है नहीं कि बस हाथ उठाया तोड़ लिया, तो आदमी के पास जितनी बजट है कम बजट में अपना काम शुरुआत करे, आगे जब मार्केट बन रहा है उसका तो उसके बाद वो अपने नाम का ब्रांड बनवा सकता है, छपवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो सर एक बात मेरे साथियों को बताइए कि मान लीजिए ये मशीन कोई खरीद लेता आप जी, ठीक है, तो इसकी क्या गारंटी है सर? सर देखिए इसमें 6 महीने की हम गारंटी लेते हैं। फिलहाल इस मशीन में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये टोटल मैकेनिकल बेस्ड होता है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, फिर भी इनकेस कोई दिक्कत आती, शुरुआत में इंसान काम कर रहा है, हो सकती मिस्टेक हो जाए, तो 6 महीने की कंपनी की गारंटी, कोई भी दिक्कत आती है वो चीज़ हम बदल के इसको चेंज कर देते हैं। 6 महीने की गारंटी आप दे रहे हैं मशीन की? मतलब अदर कंपनियां कोई गारंटी नहीं देती है इसमें, क्योंकि असल में होता क्या है ये सब बाहर से विदेशों से पार्ट्स मंगा के असेंबल करके बिकते हैं। अच्छा, तो कोई कंपनी गारंटी नहीं लेती, लेकिन हम 6 महीने की अपनी पर्सनल गारंटी ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम इतनी बढ़िया क्वालिटी का सामान इसमें लगाते हैं। देखना साथियों आपको 20,000 में 6 महीने की गारंटी भी सर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आप अपना बिजनेस कहीं भी और आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो सर एक बात और मेरे साथियों को बताइए, मान लीजिए ये मशीन खरीद लिया, ठीक है, इसको 6 महीने की गारंटी भी दे दिया आपने, तो ये मशीन का कोई ट्रेनिंग लेना चाहे जो नया बंदा हो जिसको कुछ भी नहीं पता हो, वो बिजनेस शुरू करना चाहे, तो उसके ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है सर? सर इसमें देखिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, सिंपल से बहुत सिंपल मशीन है, मैकेनिकल बेस्ड काम करती है। आप एक तरफ से पाउच लगाइए, दूसरी तरफ से जब भी कोई हमारे पास मशीन लेने आएगा मुश्किल से 10 मिनट मात्र 10 मिनट में सब कुछ सीख जाएगा कि किस तरीके से काम करना है और इसको कैसे ऑपरेट करना है। केवल 10 मिनट? मात्र 10 मिनट। 10 मिनट भी बहुत ज्यादा बता दिया सर हमने, बहुत 10 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 10 मिनट से कम में ही सब काम हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया। तो सर मान लीजिए अच्छा कोई साथी नहीं आया जी, और वो बिहार हो, बंगाल हो, पंजाब हो,
वहाँ से मशीन मंगवाना चाहता था, उसका क्या सुविधा है सर? सर देखिए, अगर कोई बाहर से मंगवाना चाहता है तो मशीन बुक करवा सकता है कुछ पेमेंट दे के। अच्छा। फिर जब उसकी मशीन आएगी, जिस समय ट्रांसपोर्ट पे लगना होगा उस टाइम पे वो पेमेंट रिमेनिंग करके और मशीन हम ट्रांसपोर्ट से भिजवा सकते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एक्स्ट्रा रहेगा सर। अच्छा जी, जिस लोकेशन पे होगा सबका लोकेशन का अलग अलग का ट्रांसपोर्ट चार्ज रहेगा। कोई मान लीजिए पास में है, जैसे मोस्टली हम रेलवे के थ्रू भिजवाते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत कम लग जाता है। जैसे बंगाल जा रहा है, हमारी मशीनें बिहार में भी कई जगह गई हैं, तो 150 रुपए 200 रुपए ऐसे केवल मात्र, तो इतना तो कोई भी अफोर्ड कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखना चाहते हो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, 150-200 रुपया तो कोई भी दे सर, क्योंकि हम वही काम करते हैं। बिल्कुल, मतलब खर्चा कम हो, क्योंकि हम भी समझ रहे हैं पैसा बहुत मेहनत से इंसान कमा रहा है। बिल्कुल, तो जितना कम से कम में हो सके उस चीज को फोकस करते हैं। सर एक बात, 20,000 की केवल मशीन है तो क्या इस पर टैक्स भी है कुछ? नहीं नहीं सर, ये 20,000 इंक्लूडिंग है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना है, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, मतलब केवल 20,000 रुपया लगा दे तो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई टैक्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मतलब मेरे साथियों को आपने पूरा का पूरा सपोर्ट दे रहे हैं कि वो अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं बिल्कुल कम अमाउंट में। बहुत बढ़िया सर, 20,000 में आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं, वही चीज समझ लीजिए सर, 20,000 में आप अपना लगा के खुद का एज अ मैन्युफैक्चरर काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर मेरे साथियों को बताइए कि मान लीजिए वो कोई बंदा हो नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा आपसे जोड़ के, जिसको कुछ भी नहीं पता, तो कितना पैसा डेली कमा सकता है एक दिन का? देखिए सर, ऐसा है कि जब कोई भी इंसान नया काम कर रहा है जी, तो उसमें शुरुआत में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। अच्छा। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन, देखिए हम आपको एक चीज बताएं, बिजनेस तीन चीजें मांगता है। पहली चीज, आपके पास पूंजी होनी चाहिए जी, कम है तो चलेगी। दूसरी चीज, आपके पास धैर्य होना चाहिए, और तीसरी चीज मेहनत होनी चाहिए। सर धैर्य बहुत जरूरी है बिजनेस में। अगर हम सोचे कि आज हमने 20,000 लगा के और कल से हम 50,000 कमाना शुरू कर दें, तो ऐसा भी नहीं है। शुरुआत हमने भी की थी। अच्छा। महीने रोज का 1,000, 1,200, 1,300, 700, 800 ऐसा भी दिन था कि किसी किसी दिन 500 मिलते थे। अच्छा। किसी किसी दिन 600, 700, 1,200, 1,500। आज की डेट में ऐसा है कि हफ्ते में हमारा 50,000 1,00,000 का इस तरीके से सेल कर ले रहे हैं जी। तो सर थोड़ा सा समय जो है एक देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, और मेहनत तो बहुत जरूरी है। देखना साथियों, सर सामने खुद कह रहे हैं, आपको प्रूफ कर रहे हैं, सर भी नौकरी कर रहे थे कहीं ना कहीं, सर आज देखना इस मुकाम पे हैं कि आपको अपना बिजनेस शुरू कराने के स्टार्टअप में लगे हुए हैं और अपना बिजनेस शुरू आप कर सकते हैं। एक चीज हम और बताना चाहेंगे दर्शकों को कि देखिए, आप अपना काम शुरू करिए तो सबसे पहले फोकस आप करिए मार्केट पे छोटे दुकानों पे। अच्छा। ज्यादा बड़े दुकान में होता क्या है सर कि नया काम शुरू किया और हम डायरेक्ट बड़े दुकान पे पहुंच गए, बड़े दुकान के पास इतना ऑलरेडी पैसा और स्टॉक लगा हुआ है कि नया सामान देखना ही नहीं चाहता है जी, जी, तो उसमें क्या होता है, आदमी पहले डिमोटिवेट हो जाता है कि अरे सर हमारा तो सामान ही नहीं बिका। आप छोटे दुकान पे जाइए, छोटे दुकान पे अपना सैंपल दिखाइए, उनको दिखाइए कि हाँ ये हमारा सामान है, वो आपसे बहुत प्यार से बात भी करते हैं और 10 में से 8 दुकानदार ऐसे होंगे जो आपका सामान रख ले लेते हैं, तो आप क्या होंगे थोड़े से मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। आप डायरेक्ट बड़ी जगह चले गए, पैसा आपका अलग फंस गया, उन्होंने आपसे 10,000 का माल ले लिया और 10 रुपए 100 रुपए पकड़ा के उसके बाद का अगले फिर चक्कर लगाते रहना, बिल्कुल, तो वो मसला हो जाता है थोड़ा सा। देखना साथियों, सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई आप लोगों को कि मार्केटिंग का स्ट्रेटजी कैसे है, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके भी बारे में सर से संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ए से लेकर जेड तक जानकारियां सर बताने के लिए तैयार है कि आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, माल कैसे मंगा सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे पैकिंग कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी सर देंगे। आप कॉन्टैक्ट करना, बोर्ड लाइन पर नंबर दिख रहा होगा, संपर्क करिए और बात करिए कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। साथियों आइए सर का मैं देखता हूँ कि लाइव डेमो मशीन कैसे वर्क करता है और कैसे काम करता है। तो देखिए सर, इस तरीके के कुछ पाउच आते हैं रेडीमेड जी, जी, आप ये हमारे ब्रांड का है तिवारी एंटरप्राइजेस का। अच्छा। और इस तरीके का रेडीमेड पाउच, इसमें मल्टीपर्पज़ पाउच है, कुछ भी चाहे फिल करके आप चाहे माइक्रोनी, और इसको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिया और इधर से लगा के इसकी स्पीड, ये स्पीड कंट्रोलर है, स्पीड धीमा करना चाहे तेज करना चाहे। अच्छा। ऐसे लगा के इधर और बस ऐसे कर दिया, ये इधर से निकलता हुआ चला गया। अरे वाह, बहुत देखिए पैकिंग हो गई ज़बरदस्त। पैकिंग क्वालिटी की बात करें तो आप थोड़ा सा ये पास में दिखाइए, ये देखिए पैक, अगर हम इसको ताकत, ये अरे वाह पूरी ताकत लगाने बाद खुलेगा, ये जहाँ से सील हुआ है जी, जी वहाँ से फट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं, सील नहीं छोड़ेगा अपना। अरे वाह, इतनी जबरदस्त पैकिंग। यही चीज मेन मार्केट में महत्व रखता है कि आपका पैकेट जो मार्केट में जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, पैकिंग क्वालिटी कैसी है। बिल्कुल। कुछ पैक क्या होते हैं कि हवा निकल जाती है, फिर वो दुकानदार वापस कर देता है जी, कि सर ये तो बेकार है जी, जी। इसी तरीके के हम आपको दिखाते हैं, कुछ भी पैक कर सकते हैं सर, माइक्रोनी है, ये देखिए सेवई है जी, हम सेवई इसमें मिला के ऐसे लगाया इधर से,
और इधर से पैक करके चला गया। अच्छा, इस मशीन को सर हमको लगता है लेडीज जेंट्स बच्चा कोई भी चला सकता है, कोई भी ए टू जेड कोई भी चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सर, इस तरीके का ये मसाला मिक्स है, पंचफोरन टाइप में है जी, जी। इसको ऐसे लगाया इधर से और ये चलता चला गया। बहुत देख रहे साथियों, ये देखिए मिर्चा है, अरे वाह, हल्दी धनिया मिर्चा मसाला जो आप करना चाहें जी, वो बहुत आराम से। ये देखिए हल्दी है, इसको ऐसे लगाए इधर से जी, जी और ऐसे निकालते हुए चले गए। बहुत बढ़िया, इसकी क्वालिटी देखिए सर जी, ज़बरदस्त। इसको आप अगर पानी में भी डाल के रख दीजिए, कितने दिन भी पड़ा रहेगा तो इसमें बिल्कुल भी लीकेज और कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा। जैसी क्वालिटी है हमेशा वैसी क्वालिटी बनी रहेगी। अरे वाह, इस टाइप आप कुछ भी ए टू जेड, मतलब अभी तो हम आपको सैंपल के लिए दिखा रहे हैं, माइक्रोनी है, इसमें पापड़ है, आपका चिप्स है, जो भी आप आइटम है पैक करना चाहें बिल्कुल आराम से पैक कर सकते हैं। बहुत सिंपल, इधर से लगाया। देख रहे साथियों, सर ने पूरी जानकारी दिया मशीन कैसे चलती है, कैसे वर्क करती है। देख रहे हैं आप लाइट रूमो कैसे बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं साथियों। बस इधर लगाया और ऐसे छोड़ दिया। आप जिस शहर में रहते हो, जिस जगह रहते हो, वहीं ये बिजनेस साथियों शुरू कर सकते हैं आप। देखिए, इसके लिए कोई ऐसा ज़रूरत नहीं कि आप बहुत अच्छे लोकेशन पर, तभी ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो सर, मेरे साथियों को आपने मशीन भी दिखा दिए, तो आप मेरे साथियों को चलते चलते क्या कहना चाहेंगे सर? सर चलते चलते बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना कारोबार शुरू करिए जी। घर से दूर, परिवार से दूर, बाहर रह के जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, आप अपने परिवार के पास रह के उतनी मेहनत कर लेंगे सर, बहुत आगे बढ़ेंगे। देखिए होता क्या है कि किसी भी चीज़ में थोड़ा सा समय देना पड़ता है। अगर आप इंटर में आज पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको केजी से इंटर तक के लिए 12-13 साल का समय देना पड़ा। तो थोड़ा सा समय दीजिए, बाकी आप इस तरीके का छोटा रोजगार लगाइए। आपको रेडीमेड पाउच चाहिए इस तरीके के, हमारे पास मिल जाएंगे, या इस किसी भी टाइप के पाउच है आप अगर चाहते हैं तो हम आपको पैक करके दे सकते हैं, और मतलब रेडीमेड पाउच दे सकते हैं। रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल में भी जो हेल्प हमसे हो सकता है वो करवा सकते हैं। फिलहाल कोशिश आप ये करिएगा कि रॉ मटेरियल आप अपने नियर बाय से लीजिएगा, थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एक्स्ट्रा पड़ जाता है जी जी। तो बाकी आप लोग मेहनत करिए, कामयाब होइए, बस यही उम्मीद है, यही कामना करते हैं ईश्वर से। देखना साथियों, बोर्ड लाइन में नंबर दिख रहा होगा, संपर्क करिए और बात करिए कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं साथियों। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, उम्मीद है आप लोग कामयाब हुई है, ऊपर वाले से प्रार्थना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।